है वो चल रहा है। और साथ ही इससे पहले आपको मोहन यादव की तस्वीर हम दिखा रहे थे जब वो जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत कर चुके थे और अब वो शिप्रा नदी पहुंचे हैं और शिप्रा नदी के पास भी इसी अभियान के तहत कार्य कर रहे हैं, श्रमदान कर रहे हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है पृथ्वी पर जल, और इसीलिए जीवन के लिए जल संरक्षण बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल है तो जीवन है। जल स्रोतों के निकट प्रदूषण ना हो इसके लिए अभियान के तहत सामुदायिक प्रयास किए जा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से लेकर नागरिक जन तक श्रमदान कर रहे हैं। और इस बीच आप देख रहे हैं तस्वीर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जो श्रमदान कर रहे हैं और जल को प्रदूषित होने से बचाने का भी प्रण यहाँ पर लोग ले चुके हैं। इससे न केवल पेयजल की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि जल प्रदूषण के कारण होने वाली जल जनित बीमारियों से भी राहत मिलेगी। विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास हो रहे हैं और इसी लिए जो है यहाँ पर शिप्रा नदी में भी देखिए आप, पहले शिप्रा नदी की पूजा और फिर श्रमदान। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत समस्त जिलों में पौधारोपण, नदी नालों, ऐतिहासिक और पारंपरिक जल संरचनाओं, तालाब, झील, कुआं, तमाम जो बावड़िए हैं वहाँ पर संरक्षण और पुनर्जीवन का कार्य किया जा रहा है। अभियान में आमजन की सहभागिता भी सुनिश्चित की जा रही है और साथ ही तमाम मंत्री भी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री खासतौर पर इसको करते नजर आ रहे हैं। शिप्रा नदी जो कि मुख्य नदी है उज्जैन की, जहां से कनेक्टिविटी अन्य शहरों की भी होती है, अब यहां भी इसी क्रम में आप देख रहे हैं श्रमदान करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। ये दोनों ही तस्वीर सीएम के श्रमदान की। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सभी 55 जिले ऐसे हैं जहां ग्रामीण क्षेत्रों में कई योजनाएं हैं, उनके तहत भी नदी, तालाबों, कुओं में जल स्रोतों की साफ सफाई, जीर्णोद्धार का जो कार्य है वो चल रहा है। इस योजना के शुरू होने का मतलब ही यही है कि तमाम जो जगहें हैं जो सूने पड़े थे कई समय से, उनको एक बार फिर से जीवित किया जाए। शिप्रा नदी के तट पर भी पूजन की गई और यहाँ भी श्रमदान करते सीएम नजर आए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खास खबरों के साथ। आरएसएस के इंद्रेश कुमार का यूटर्न, बोले राम की भक्ति करने वाले सत्ता में मोदी सरकार में देश में हुआ विकास। कोरबा में हाथी का आतंक, हाथी के आतंक से लोगों में डर का माहौल, वन विभाग की टीम हाथियों की कर रही निगरानी। दुर्ग में लाखों की साइबर ठगी, साइबर ठग ने 24 लाख से भी ज्यादा ठगे, शेयर ट्रेडिंग और आईपीओ के मुनाफे का लालच देकर ठगी की गई। भोपाल में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कार्रवाई की, 6 नंबर हॉकर्स को किया बंद, गंदगी और कॉकरोच के मिलने से हुई कार्रवाई। ग्वालियर में डबल मर्डर, एक युवक और एक दिव्यांग की पत्थर से कुचलकर हत्या, शीतला माता रो की घटना। सूरजपुर में स्वास्थ्य विभाग का जांच अभियान, 6 मेडिकल स्टोर्स पर जांच किया गया, अवैध क्लिनिक संचालित करने का है आरोप। एमपी में एमपीएल की शुरुआत, ग्वालियर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा एमपीएल। एमपी में बहुत जल्द आएगा मानसून, 3 दिन में एमपी पहुंच सकता है मानसून, शहडोल होते हुए भोपाल पहुंचेगा मानसून। उज्जैन में सट्टे के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई, बिल्डर पीयूष चोपड़ा के घर से छापेमारी में मिले करीब 15 करोड़। सतना में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट, मारपीट का वीडियो आया सामने, 4 जून की बताई जा रही है घटना। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में लगी आग, 5 दुकानें जलकर हुई खाक। दुर्ग में पति ने की पत्नी की हत्या, फिर खुद लगाई फांसी, दुर्ग जिले के खोपाली गांव की घटना। भोपाल में सेहत से खिलवाड़ का खुलासा, खाद्य विभाग की छापेमारी में दुकानों में मिली गंदगी। शाहजहापुर में कार में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया।
दुर्ग में बदमाशों ने घर में घुसकर पति पत्नी को पीटा। बदमाशों ने घर में घुसकर पति पत्नी को धमकाया। भिलाई के रुआ बांधा क्षेत्र की घटना। खंडवा में हाट बाजार में मारपीट का वीडियो वायरल। रुपए के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। भोपाल में एनएसयूआई कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। कुलपति के केबिन के बाहर ही छात्रों ने प्रदर्शन किया। एम फार्मा की परीक्षा कराने की मांग। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बड़ी बैठक। चुनाव प्रभारी नितिन नवीन आज आएंगे रायपुर। शाम में होगी बैठक। सीएम मोहन का उज्जैन इंदौर ग्वालियर दौरा। तालाब के गहरीकरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम का भी शुभारंभ करेंगे। एक्शन में सीएम विष्णुदेव साय। विभागों की 3 दिवसीय समीक्षा बैठक का आज आखिरी दिन। आज गृह और जेल विभाग की समीक्षा होगी। बीजेपी के अहंकार वाले बयान पर आरएसएस के इंद्रेश कुमार का यू टर्न। बोले, राम की भक्ति करने वाले सत्ता में मोदी सरकार ने देश में हुआ विकास। कोरबा में हाथी का आतंक। हाथी के आतंक से लोगों में डर का माहौल। वन विभाग की टीम हाथियों की कर रही निगरानी। दुर्ग में लाखों की साइबर ठगी। साइबर ठग ने 24 लाख से भी ज्यादा ठगे। शेयर ट्रेडिंग और आईपीओ के मुनाफे का लालच देकर ठगी की गई। भोपाल में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कार्रवाई की। 6 नंबर हॉकर्स को किया बंद। गंदगी और कॉकरोच के मिलने से हुई कार्रवाई। ग्वालियर में डबल मर्डर। एक युवक और एक दिव्यांग की पत्थर से कुचलकर हत्या। शीतला माता रो की घटना। सूरजपुर में स्वास्थ्य विभाग का जांच अभियान। 6 मेडिकल स्टोर्स पर जांच किया गया। अवैध क्लिनिक संचालित करने का है आरोप। एमपी में एमपीएल की शुरुआत। ग्वालियर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा एमपीएल। एमपी में बहुत जल्द आएगा मॉनसून। 3 दिन में एमपी पहुंच सकता है मॉनसून। शहडोल होते हुए भोपाल पहुंचेगा मॉनसून। उज्जैन में सट्टे के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई। बिल्डर पीयूष चोपड़ा के घर से छापेमारी में मिले करीब 15 करोड़। सतना में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट। मारपीट का वीडियो आया सामने। 4 जून की बताई जा रही है घटना। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में लगी आग। 5 दुकानें जलकर हुई खाक। दुर्ग में पति ने की पत्नी की हत्या, फिर खुद लगाई फांसी। दुर्ग जिले के खोपारी गांव की घटना। भोपाल में सेहत से खिलवाड़ का खुलासा। खाद्य विभाग की छापेमारी में दुकानों में मिली गंदगी। शाहजहापुर में कार में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दुर्ग में बदमाशों ने घर में घुसकर पति पत्नी को पीटा। बदमाशों ने घर में घुसकर पति पत्नी को धमकाया। भिलाई के रुआ बांधा क्षेत्र की घटना। खंडवा में हाट बाजार में मारपीट का वीडियो वायरल। रुपए के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। भोपाल में एनएसयूआई। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय ड्यूरागार्ड सीमेंट। सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है। दुर्ग में पति ने की पत्नी की हत्या, बाद में खुद ने भी फांसी के फंदे पर झूल कर दी जान। आपसी विवाद में तबाह हुआ परिवार। अंबिकापुर में बेटे ने की बुजुर्ग पिता की हत्या। बार बार खाना मांगने पर पिता को पीटा। आरोपी बेटा गिरफ्तार। जगदलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। अवैध रेत स्टॉक देखने पहुंचा खनन विभाग। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। बलौदाबाजार हिंसा मामले में 30 और आरोपी गिरफ्तार। अभी भी 200 आरोपी फरार। पुलिस की 10 टीमें कर रही हैं तलाश। अब तक कुल 150 लोग गिरफ्तार। एक्शन में सीएम विष्णुदेव साय। विभागों की 3 दिवसीय समीक्षा बैठक का आज अंतिम दिन। आज पीएचई गृह और जेल विभाग की होगी समीक्षा। प्रेजेंटेड बाय ड्यूरागार्ड सीमेंट। सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूँ रीनू। सीधे रुख करेंगे उज्जैन, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। और देखिए, कल भी ये प्रोग्राम हुआ था, जल गंगा संवर्धन अभियान। और आज उज्जैन के शिप्रा घाट पर इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात आज मिलने जा रही है। आप ये देखिए कि जो शिप्रा घाट है, यहाँ पर भी आज जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत। जीवन के लिए जल संरक्षण अपरिहार्य। और इस तरीके से जल संवर्धन को लेकर
ये पहल की जा रही है। योजनाओं के अंतर्गत जल को किस तरीके से बचाना है उसके साथ साथ इसके संवर्धन से लेकर संरक्षण तक का जो जिम्मा है वो इस अभियान के अंतर्गत रहने वाला है। साथ ही जल को किस तरीके से शुद्ध रखा जा सकता है, कैसे गंगा नदी को या क्षिप्रा नदी को या अन्य जो नदियां हैं उनको साफ सुथरा रखा जा सकता है, इस पर भी विशेष रूप से चर्चा। और आप ये देखिए कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कूपों के जीर्णोद्वार का कार्य किया जा रहा है, कूप की गाद निकाल